पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। मुझे पता नहीं तेरा राजा शहर जा रहा है। क्या, कब? वो सब मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है गांव में कोई इतना तो कमाता है नहीं कि उनकी जिंदगी आसानी से कट सके। तुम कहना क्या चाहती हो? गांव की हालत ऐसी है कि लोगों को भरपेट खाना मिले वही काफी है। हाँ, ये तो है। जिंदगी के अलग अलग रास्ते हैं, उसी रास्ते पर चलना जिस पर न कभी गिरना पड़े न झुकना पड़े। कभी ऐसा कदम मत उठाना जिससे परिवार की इज्जत को आंच पहुंचे। सुना आपने, अपना राजा शहर चला गया? हाँ सुना है। चलो अच्छा ही हुआ है, उसकी जिंदगी भी अभी सुधर जाएगी। हाँ, कम से कम अब उसे गर्मी में रहने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सही कहा। मैं क्या कहती हूँ? क्या? आप भी शहर क्यों नहीं चले जाते? पागलों जैसी बात मत करो, मैं तुम्हें और आदर्श को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं और आदर्श अकेले कैसे हुए? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अरे आदर्श अभी बच्चा है। आदर्श अभी बच्चा है इसीलिए तो बोल रही हूँ, कल को वो बड़ा हो जाएगा तो उसको पढ़ाने के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तब की बात तब सोचेंगे, अभी आदर्श सो गया कि नहीं? हाँ। खाना खा के सोया ना? हाँ। ठीक है जाओ खाना परसो, सुबह खेत में जाना है। ठीक है, आप भी। हाँ मैं आ रहा हूँ। काजल, ओ काजल। संध्या तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, बस यूं ही। तू मुझे कुछ मत बता, लेकिन तेरा ये चेहरा मुझे साफ साफ बता रही है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है। नहीं, बस पिताजी की याद आ रही है। देख, जो हो गया सो हो गया, अब उस बारे में सोचकर खुद को दुखी क्यों कर रही हो? तो और क्या करूं मैं, मुझसे माँ का दुख देखा नहीं जाता। देख संध्या, अगर तू ही ऐसा करेगी तो फिर चाची को कौन संभालेगा? पता नहीं, काश मेरा कोई भाई होता तो घर की स्थिति ऐसी नहीं होती। तो फिर तू कुछ करती क्यों नहीं? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आजकल की लड़कियाँ लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। मतलब? देख, तुझे तो सिलाई बुनाई भी आती है, तो फिर तू एक अपना छोटा सा दुकान क्यों नहीं खोल लेती? और दुकान नहीं तो तू अपना घर से भी ये काम कर सकती है। हाँ ये बात तूने सही कहा। अरे तू कब से खड़ी है, चल अंदर चल। अच्छा ठीक है, चाची को भी मिल लेती हूँ। हाँ ये लीजिए, आपके लाडले बेटे का फोन आ गया। हेलो, तू कैसा है बेटा? कुछ ठीक नहीं है माँ, यहाँ पे नया शहर नया माहौल, जब से आया हूँ चैन से सो भी नहीं पाया हूँ। सोया नहीं, बीमार है तू? आपको तो पता है ना माँ, आपसे बात किए बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। तो रोज रात फोन क्या करना? फोन में आपका चेहरा थोड़ी ना दिखता है।
मैं यहाँ हूँ तब भी तेरे साथ ही हूँ। अपने काम पर ध्यान देना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। माँ अपना ख्याल रखना। आप दुखी क्यों हो रहे हैं? वो वहाँ बिल्कुल ठीक होगा। क्या ठीक होगा? मेरे बिना वो पता नहीं खाता भी होगा या सोता होगा। अब वो बड़ा हो गया है, आप चिंता मत कीजिए। भैया अब क्या सोचने लगे? कुछ नहीं आकाश। अच्छा छोड़िए, चाचा जी से बात हो गई? हाँ हो गई। अच्छा आपने बताया नहीं आपका शहर आना कैसे हुआ? मतलब जितना कि मुझे पता है आप सबको तो गांव से बहुत प्यार है। गांव किसे प्यारा नहीं होता, लेकिन गांव के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे गांव छोड़ के आना पड़ा। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें तो पता है ना? लेकिन क्यों? हमारा गांव मुख्यतः जनजाति लोगों से भरा है और अधिकतर लोगों के जीवन खेती पर निर्भर है। अच्छा। हमारे गांव के हालात ही कुछ ऐसी है कि मुझे शहर आना पड़ा। हालात ऐसे लेकिन क्यों? गांव की जमीनें बंजर पड़ी है और ना पढ़ाई के लिए अच्छी स्कूल है ना अच्छी अस्पताल है। ये दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में ऐसी भी कोई जगह है जहां इंसान अपनी मौलिक आवश्यकताओं से वंचित है? विश्वास ही नहीं होता। कहने के लिए तो हमारे यहां भी चुनाव होती है, सरकारें बदलती है, पर इससे हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में कोई सुधार नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे पता है सरकार आजकल हर किसानों के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया करवाती है। योजनाएं, लाभ, ये सब बोलने की बातें हैं। मुझे तो ये लगता है कि सरकार को योजना देने से पहले कह देना चाहिए कि इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है और इसका वास्तव से लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है भैया, सरकार आजकल हर गांव, हर किसानों को हर तरह की सुविधा मुहैया करवाती है, चाहे वो सिंचाई हो, पानी हो, खाद हो, हर तरह की सुविधा। अगर ऐसा है तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, पर इसका लाभ हमें कैसे मिलेगा? ज्यादा विस्तार में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक सर को जानता हूँ, वो हमारी इसमें मदद जरूर करेंगे। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब बता दिया, गांव में अब सब खुश हो जाएंगे। अरे चलिए बस आ गई। नहीं चलो चलो चलो। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लान, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो क्या कहा तुम्हारे बेटे ने? वो बता रहा था कि वो आकाश के सार से मिला था और सार ने उसे बहुत कुछ बताया। अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने? वो कह रहा था कि सरकार हमारी कितने मदद करती है। वो कैसे? सरकार हमारे लिए इतनी सारी योजनाएं चला रही है जिससे हमारा जीवन आसान हो। तो वो वापस कब आ रहा है? उसने ऐसा तो कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, वो आज दोबारा सार से मिलने गया, उस बात को बिस्तर से जानने के लिए। हम कितने अनजान थे इस तरह की बातों से। मैंने भी वही कहा। आशा करते हैं उसकी ये मेहनत रंग लाए। अरे आकाश कैसे हो? अरे राकेश भैया मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और बताइए। बढ़िया। और ये हमारे भैया राजा। नमस्ते। ये गांव से आए हैं। कैसे हो? ठीक है चलते हैं। ठीक है जाओ। ठीक है मिलते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि इस बात का ध्यान आपको रखना होगा, इस बात का पता किसी को ना चले। ये सब तो ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है सर ने जो कुछ भी कहा है उनका लाभ हमें मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा।
अरे सर ने इतना कुछ समझाया है, लाभ तो मिलना ही होगा। धन्यवाद आकाश, अगर तुम नहीं होते तो शायद ये सब बातों से अनजान रहता। ये मेरा फर्ज है। देखो ना, माँ बाबूजी ने तो कान ही खा रखे थे कि गांव में रहकर ही कुछ करो, पर जरूरतें इतनी बढ़ चुकी थी कि मुझे शहर आना पड़ा। अब तो मैं गांव में रहकर ही काम करूंगा। अरे गांव में ही सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, तो शहर क्यों जाना, गांव में रहिए। अरे यार पहले मिल तो जाए, फिर देखा जाएगा। अरे मिल जाएगी, आप टेंशन क्यों लेते हो, सर ने कहा है ना पूरी मिल जाएगी। अच्छा है, अब बच्चे के लिए अच्छे स्कूल होंगे, अस्पताल होगी और काबिल डॉक्टर जो उनका इलाज कर। हाँ सब होगा। वैसे आप गांव कब जा रहे हैं? मैं नहीं, हम। चलो। हाँ चलो, हम जाएंगे एक साथ। पता नहीं मीना बेटी, हम तुम्हारे शुक्रिया कैसे अदा करें। अरे आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही है, बैठे ना। फिर भी मीना बेटी, तुमने जो किया है आज के युग में कौन करता। आज का युग जहां अपने ही अपनों का साथ छोड़ देता है, वहीं तुमने हमारे सहायता की, नौकरी दी, रहने को घर दिया। ये तो मेरा फर्ज था, हम एक ही गांव के हैं, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, बोलिए। सही कहा तुमने। अब काम होते ही राजा की शादी की तैयारी कर दीजिए। ऐसी कोई लड़की तुम्हारे नजर में है तो बताना। मेरे नजर की तो पता नहीं, शायद आपके बेटे की नजर में कोई हो। सच कहूँ तो एक दूसरे की नजर में ही हो, है कि नहीं। कहीं तुम बिना जी की बेटी? अरे नहीं नहीं, मैं तो मुखिया जी की बेटी संध्या के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ देखो तो हमारे सामने ही लड़की है और हमारा ध्यान ही नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा तुम्हें पक्का पता है कि वो दोनों में प्यार है? हाँ चाची, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तब तो छठ मंगनी पत बिया। हाँ। माँ तू आ गया बेटा। और कैसा रहा तेरा सफर? पिताजी अच्छा था। पिताजी ये आकाश जी। नमस्ते। जीते रहो। तुम जल्दी से कुछ खाने के लिए लगा दो, वो जोर से भूख लगी है। अरे बाहर से आए हो, कम से कम नहा तो लो। अरे छोड़िए ना। ठीक है बेटा, तू पहले खा लेना फिर नहा लेना। अरे आकाश तुम भी नहीं जाती ना? वो दीदी इंतजार करती होगी, मैं आप लोगों से शाम में मिलता हूँ। तो शाम को जल्दी आ जाना। नमस्ते। हाँ, अंदर आ। चल जल्दी जल्दी खाना बना दो, इसे भूख लगी है। संध्या, संध्या। हाँ। अरे काजल क्या सोच रही है तू? वो राजा। इतना क्या सोचना, जाकर मिल ले उसे। मन तो मेरा भी है पर बापू शहर जाने नहीं देंगे। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? अब मैंने क्या कर दिया? वो आ गया है गांव। क्या सच? तू मजाक कर रही है ना? तेरी कसम। तू तो चाहती है कि मैं मर जाऊं। पगली, वो सच्ची में आज आ गया है गांव, आज सुबह ही आया है। लेकिन इतनी जल्दी और यूं अचानक? इतना तो मुझे भी नहीं पता। उस दिन मीना दीदी बता रही थी कि वो लोग गांव को किसी सरकार की योजना में सम्मिलित करने आए हैं। कैसी योजना? मैंने बोला ना, विस्तार में मुझे पता नहीं। अच्छा, तब तो अब उसे मिलके ही पता चलेगा, क्या बात है। हाँ चलो अब अंदर चलते हैं। भैया, राजा भैया, अरे जल्दी आइए। जी नमस्ते दादाजी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक। अच्छा चलिए। हाँ चल रहा हूँ। अरे कहाँ चल दिए? पिताजी वो कहा था ना वो सरकारी योजना के बारे। अच्छा में। अच्छा तो हम वही जा रहे हैं। जाओ बेटा जाओ। हाँ सफल होकर लौटना। हाँ ठीक है पिताजी। हाँ। आते हैं। चलो चलो। मुखिया जी। अरे मीना बेटी। नमस्ते। नमस्ते।
आपको पता है मुखिया जी, राजा शहर से घर लौट आया है। अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हाँ। अच्छा जो भी हो, अब तो वो अपने माँ बाप के साथ रह सकेगा। अरे एक खुशी की बात तो आपको मैं बताना भूल ही गई। अरे बताओ ना। राजा शहर से एक योजना के बारे में पता करके आया है। वो कह रहा है कि ये योजना सरकार द्वारा हम सबको दी जाएगी। योजना? अरे कैसी योजना? योजना मुखिया जी, जो योजना सरकार द्वारा हर एक गांव को दी जाती है, पर पता नहीं क्यों हमारे गांव को ही योजना नहीं मिलती। अरे नहीं मिलती है तो नहीं मिलती है। अरे मेरे कहने की मतलब है, ये सब योजना योजना सब कहने की बात है। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, राजा कह रहा है कि ये योजना हम सबको मिलेगी। कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि इस योजना के राशि को मैं खाता आया हूँ। मुखिया जी, मुखिया जी, क्या सोचने लगे आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ काम याद आ गया, जाता हूँ। चल। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुँचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैलाश, ए भाई कैलाश, कैलाश। अरे मुखिया जी, आइए आइए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बिल्कुल बैठने का समय नहीं है। एक बात बताओ, ये राजा राजा कहाँ गया? राजा सरकारी दफ्तर गया है। कब? कब मतलब काफी देर हो गया, आप तो घर पहुँचने वाला है। भगवान, इसे गांव वालों से मिलने से रोकना होगा, इससे पहले कि वो गांव वालों के सामने मेरा पोल खोल दे। अरे मुखिया जी, क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। मुखिया जी, मुखिया जी। अरे बेटा, तू शहर से कब आए? और सुना है कि तुम शहर से कुछ योजना भी लाए हो। लाया हूँ योजना, लेकिन पूरे गांव के सामने ही बताऊंगा। ऐसी क्या बात है? आपका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए आपको अफसोस हो रहा है? झूठ? कैसा झूठ? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मत कहो अपनी इस गंदी जवान से मुझे बेटा। लेकिन मैंने क्या किया है बेटा? आप भी पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया है? हाँ, बंद करो अपना ये नाटक। अरे राजा, चिल्ला क्यों रहे हो मुखिया जी पर? जी तो कर रहा है कि इस इंसान का मैं खून चूस लूं, पर मैं अपने हाथ गंदा नहीं करना चाहता। राजा, तमीज से बात करो। तमीज? वो भी इस इंसान से? अरे जब तुम्हें पता चलेगा कि इसने हमारे साथ क्या किया, तब तुम्हारा भी खून खौलने लगेगा। लेकिन राजा, बताओगे भी कि हुआ क्या है? दीदी आपको तो पता ही है ना, सरकारी योजना के बारे में जब मुझे पता चला, तब मुझे ये भी पता चला कि हमारे गांव के लिए भी कई योजनाएं आए हैं और उसमें धांधली चल रही है। लेकिन इसमें मुखिया जी का क्या लेना देना है? ये धांधली सिर्फ मुखिया जी की क्या धरा है? क्या? हाँ। मुखिया जी आपने? हाँ पिताजी, योजना का पैसा आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से ये मुखिया खा रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास इन सब बातों का? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत चाहिए? ये देखो, ये लो सबूत। दीदी पढ़ के सुनाइए। क्या है ये? अरे भाई कोई बताओ क्या लिखा है उसमें? इसमें लिखा है कि योजना की सारी राशि ये मुखिया जी उठा रहे हैं। मुखिया जी आपने? ये सब क्या है पिताजी? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मत कहो मुझे बेटी। अच्छा होता ये दिन देखने से पहले मैं मर जाती। हम सब ने आपको मुखिया का दर्जा दिया, अर्थात गांव का राजा, और आपने ही ये सब। गलास, मुझे माफ कर दे। अरे राम भैया, आप यहाँ पे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्यों, क्या बात है, सब ठीक तो है? अरे सब ठीक है, बस आपको कल के शाम की मीटिंग के बारे में बताना था। मीटिंग? कैसी मीटिंग? अरे आपको तो पता ही है ना अपने गांव की स्थिति, पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा था आपको तो सब पता ही है। कहीं तुम तो मुखिया जी के बारे में तो नहीं कह रहे हो? हाँ हाँ वही वही, उन्हीं के बारे में बता रहा था। तो कल शाम को मीटिंग है, आप आना जरूर। ठीक है, कल शाम को मैं आ जाऊंगा और साथ में गांव के लोगों को भी लेके आ जाऊंगा। ठीक है, फिर कल आइएगा। हाँ, मत। ठीक। ठीक। हाँ राजा बेटा, बताओ क्या बताना चाहते हो? मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इसमें
सिर्फ मुखिया जी की गलती नहीं है, इसमें हम सब भी शामिल हैं। हमारे कैसे? हम हमेशा सरकार को कोसते रहते हैं, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि सरकार हमें योजना क्यों नहीं दे रही। और हाँ, इससे किसी को भी मौका मिल जाता है कि वो हमारा हक छीनकर चला जाए। लेकिन हमें ये बताइए कि सरकार ने हमारे लिए क्या योजना रखी है और इससे हमारा क्या लाभ होगा? इस योजना का नाम है वन बंधु कल्याण योजना। लेकिन इस योजना से हमें क्या मिलेगा? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है हमारे देश की जनजाति आबादी को जल, कृषि और सिंचाई और बिजली, सिर्फ यही नहीं, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रदान करना भी है। इस योजना को मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों को मानव विकास सूचकांक और ढांचागत कमियों को पूरा करने पर केंद्रित है। जनजाति मंत्रालय ने जनजातीय लोगों का माल और सेवाओं की वितरण के लिए जो संस्थाएं बनाए हैं उनको मजबूत करने के लिए पहल को प्रारंभ कर दिया है। ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, जो राज्य वेब आधारित हैं, उन राज्य के छोटे वनोपन के मूल्य वृद्धि के बारे में जानकारी पाने के लिए वेब पोर्टल का विकास किया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल कुछ लघु वनोपन है जैसे कि सालपत्ता, बांस, लाख, अदरक, आंवला, गम, करौंजी, चिरौंजी, जंगली शहद आदि। सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है और हमें कुछ पता ही नहीं चला। सरकार की इस मुहिम में हम भी सरकार का साथ देंगे। ठीक कहा बेटी। आइए आइए आइए। नमस्ते मैडम। नमस्ते बेटा। क्या बात है, आज आप लोग बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो, हमें जो सरकार से जल्द ही एक सुंदर सा घर मिलने वाला है। अब लगता है हमारी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। वो तो है, मैं बिजली का खंबा देखकर ही जान गई थी कि घर में बहुत जल्द रौनक आने वाली है। ठीक कहा है आपने, घर की चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आइए अंदर आइए। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत सारा काम बाकी है। अरे कहाँ चल पड़े बेटे? वो हमारे गांव में जो अस्पताल खुली है वहाँ मुझे अकाउंटेंट की जॉब लगी है। अरे बहुत अच्छी बात है, अरे बहुत तरक्की करो तू। जी। मैं वैसे भी तुम्हारा ही घर जा रहा था। जी पिताजी है घर। अच्छा ठीक है, आता हूँ। क्या करूँ, बहुत घबराहट हो रही है। राजा को फोन करूँ क्या? हाँ उसे बुलाना ही ठीक होगा, उसको एक बार फोन कर लेती हूँ। हाँ हेलो राजा, तुम कहाँ हो? मैं तो अभी खाना खाने निकल रहा था। वो तुम क्या घर आ सकते हो? अरे हुआ क्या, तुम इतने घबराए हुए क्यों? वो सब मैं फोन पर नहीं बता सकती, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा मैं आ रहा। हमें तो संध्या पसंद है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू। क्यों नहीं, लीजिए राजा भी आ गया। अरे राजा जी, मुखिया जी ने हमें यहाँ पर तुम्हारे और संध्या के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए बुलाया। मुखिया जी नहीं, अब संधि कह के बुलाइए। जैसे आपकी इच्छा। लेकिन संध्या को देखकर ऐसा लग रहा है ये इस रिश्ते से राजी नहीं है। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो अरे बेटी, हमें तो पहले से ही मालूम है।